लेकिन इसी रणनीति को लेकर सवाल उस आधार पर यहां पर सर आपसे करूंगी पहले, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस हालात में अमेरिका की यह तैयारी क्या संकेत देती है? मिडिल ईस्ट के इस सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका की जो तैयारी, ये इसी बात का संदेश देती है कि देखें, अमेरिका खुलकर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई वैसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहता मेरे हिसाब से कि कोई वॉर बहुत बड़े स्केल पे हो जाए। कहीं ना कहीं हमने देखा कि जब ये तमाम चीज़ें हुई और हमने वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर, जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है या हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इस चीज़ को समझते हुए मुझे लगता है कि अभी अमेरिका के अंदर ख़ुद इलेक्शंस आने वाले हैं और मिडिल ईस्ट जो है जियोपॉलिटिकल उसकी जो अहमियत है और जिस तरह से अमेरिका वहाँ से कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन पीछे खोते हुए जाता जा रहा है और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं चाइना की बात करूं, वो कैसे वहाँ पे अपनी ज़मीन को पकड़ते हुए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले भी करवाए और बिज़नेस के एक्सटेंशन जो उनकी पॉलिसी है उसको देखते हुए वो उधर अपनी ज़मीन की पकड़ बढ़ा रहा है। तो वहाँ पे अमेरिका की जो ये अभी पॉलिसी है, मुझे लगता है कि वो कोशिश ये करे कि कहीं ना कहीं वहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन ना बने। लेकिन जो हुआ है अभी, इसको देखते हुए ईरान के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो कैसे भी रिटेलिएट करे। और ये चूंकि घर में घुस के मारने की बात है, एक सॉवरेंटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है और हमने देखा है कि किस तरीके से इसराइल के अंदर, इसराइल ने जो सोचा कि हमें हमास को किसी भी तरीके से पहले ख़त्म करना है और जब उस चीज़ को देखते हुए, सिर्फ यहाँ पे मैं तेहरान की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों में इसराइल ने कई अलग अलग कंट्रीज़ पे ऑपरेशंस करे। आप यमन की बात कर लें, आप सीरिया की बात कर लें, आप अभी तेहरान में देख रहे हैं और अभी आप लेबनान में भी देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे फवाद शुक्र से के रिलेटेड जो आपकी खबरें आ रही, तो कई ऐसे वायलेशंस भी हुए हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है इसराइल ने अगर अलग अलग फ्रंट्स पर इतना ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जो ईरान में हुआ है, उसके बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा? हालांकि तेहरान से जिस तरीके से बड़ी खबरें आ रही है इस पर फिलहाल और डिटेल इनपुट, और उसके बाद मनीष सवाल आपसे, क्योंकि खबर है अब तेहरान में हानिया की शव यात्रा को लेकर, जहां शव यात्रा में हजारों लोगों की मौजूदगी की तस्वीर देखिए और सम्मान देने के लिए निकाली गई ये शव यात्रा की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें, हानिया का शव दोहा के लिए भी रवाना हो गया और कल दोहा में अंतिम संस्कार होगा। Marhaba, Zeyshan, Shirullah, Tanu Talib, El-Ghul.